पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार ने ईद के मौके पर रिपोर्टिंग के दौरान एक युवक को कैमरे के सामने आने पर थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि लड़का रिपोर्टर को परेशान कर रहा था, इस वजह से उन्होंने आपा खोकर उसे थप्पड़ जड़ दिया, जबकि कुछ लोग इसे हिंसक रिएक्शन बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर में चोरी के आरोप में एक युवक को लोगों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इसका वीडियो सामने आया है। इसमें युवक मंदिर परिसर में दिख रहा है। लोग पहले उसे बैठाकर लाठी डंडे से मार रहे हैं, फिर उल्टा लिटा कर डंडों की बारिश कर देते हैं। पूरे वीडियो में आरोपी युवक उसे छोड़ने देने की मिन्नतें करता नजर आ रहा है। मामला जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र स्थित रामबाग के एक मंदिर का है। आरोपी एक युवक चोरी की नीयत से घुसा था, जिसे भीड़ ने दबोच लिया। उसे बंधक बनाकर सैकड़ों डंडे साए गए। जब वह लहूलुहान हो गया तो पुलिस के हवाले कर दिया। एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती बारिश के दिनों में और बढ़ गई है। बस्तर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से जलप्रपात पूरी तरह शबाब पर है। इन दिनों चित्रकूट जलप्रपात का खूबसूरत नजारा देखने के लिए पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ यहां हो रही है। बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी पर स्थित यह चित्रकूट जलप्रपात जुलाई के महीने में ही अपनी अलौकिक छटा बिखेर रहा है। केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को झारखंड की धार्मिक नगरी देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट और एम्स समेत दर्जन भर योजनाओं की शुरुआत। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 10 किलोमीटर रोड शो कर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और पूजन किया। बाबा धाम में उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया और पहले की सरकारों पर जमकर हमला बोला। WWE के मशहूर रेसलर दलीप राणा उर्फ द ग्रेट खली पर टोल कर्मी ने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। टोल कर्मियों ने उनकी कार को घेर लिया। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने खली को सुरक्षित निकाला। टोल कर्मियों का कहना है कि आईडी मांगने पर खली ने थप्पड़ मारा। वहीं खली का कहना है कि टोल कर्मी कार में घुसकर फोटो खिंचवाने की जिद कर रहे थे। उन्होंने टोल कर्मियों पर अपशब्द बोलने का भी आरोप लगाया है। लुधियाना पुलिस ने कहा कि मामले में किसी भी पक्ष ने शिकायत नहीं की है। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स कमजोर होकर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 508.62 अंक यानी 0.94% की गिरावट के साथ 53,886.61 पर बंद हुआ। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो ये 157.70 अंक यानी 0.97% से लुढ़ककर 16,058.30 पर बंद हुआ।